नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। पटना पुलिस के दावों का खुला राज। छोटे छोटे चोर बदमाशों को पकड़कर पटना पुलिस अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन बड़े बड़े मामलों में पटना पुलिस की हवा निकलती नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरों के साथ। रुपेश हत्याकांड के 12 दिन अपनी ही थ्योरी में उलझी पुलिस, अब बाइकर्स को उठाकर कर रही पूछताछ। इंडिगो के एयरलाइंस मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को 11 दिन गुजर गए हैं और आज 12वां दिन है। आपको बता दें कि 12वें दिन बीतने के बाद भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस अब तक कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई है। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में ताला जड़ने का ऐलान। पटना हाई कोर्ट ने वकीलों के भेदभाव करने का लगाया आरोप। इस वक्त ताजा खबर यह आ रही है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में ताला जड़ने का ऐलान किया गया है। उन्होंने फिजिकल कोर्ट में सीमित सुनवाई और वकीलों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हालांकि वकील नेताओं ने तालाबंदी का विरोध किया। जदयू विधायक ने तैस में बीजेपी एमएलए को कहा बैल, बोले उसको तो एक गार्ड भी देने लायक नहीं है। भागलपुर में बीजेपी और जदयू नेताओं के बीच घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के विधायक भी खुद को महफूज नहीं मान रहे हैं। जदयू के दबंग विधायक से बीजेपी के विधायक ने जान को खतरा बताया है, जिसके बाद जदयू के दबंग विधायक ने तैस में आकर बीजेपी विधायक को बैल करार दे दिया है। नीतीश के कुशवाहा कांड पर भगवान ने फंसाया पेंच, बोले केवल उपेंद्र कुशवाहा को साधने से लव कुश नहीं जुड़ेगा। विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने लव कुश के पुराने समीकरण को एक्टिवेट करने का बीड़ा उठाया है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा किसी भी वक्त नीतीश के साथ हो सकते हैं। पटना में आधा दर्जन डॉक्टर सरकारी अस्पताल से गायब, डीएम ने शो कॉज करने को कहा। पटना में नए डीएम चंद्रशेखर सिंह इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से पटना जिला अधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया है। वह लगातार अलग अलग सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। डीएम साहब के निरीक्षण में 6 डॉक्टर समेत 111 जीएनएम और 3 अन्य कर्मी ड्यूटी से नदारद पाए गए। पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, कई पुलिस कर्मी घायल। बगहा में बिहार पुलिस पर शराब माफिया हावी है। जब भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए जाती है तो शराब माफिया पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। पुलिस पिटाई खाकर वापस लौट आती है। यह सिलसिला बिहार में जारी है। एक बार फिर से इस वक्त यह घटना सामने आई है रामनगर के मधुबनी गांव से, जहां पर तस्करों ने हमला कर दिया था पुलिस की टोली पर। नीतीश सरकार का निश्चय बजट, सीएम बोले पार्ट टू पर होगा फोकस। विधानमंडल के बजट सत्र के पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बार का बिहार का बजट सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय पार्ट टू पर केंद्रित रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने इसके साफ संकेत दिए हैं। सुशासन का इकबाल खत्म, लापता कृषि पदाधिकारी की हत्या, नदी किनारे मिला सब। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है। रुपेश हत्याकांड की गुत्थी पुलिस अब तक सुलझा नहीं सकी, अब एक अधिकारी की हत्या हो गई है। पटना से लापता कृषि पदाधिकारी की हत्या कर दी गई है। मसौढ़ी के कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार उनका शव गौरीचक थाना इलाके के पुनपुन नदी के किनारे मिला है। अब पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई।
डीएफओ के बिछाए जाल में फंस गया तस्कर, प्रतिबंध पक्षी के मांस के साथ किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी में प्रतिबंधित पक्षियों की हत्या धड़ल्ले से की जा रही है। इसका खुलासा वन विभाग की कार्रवाई से हुआ। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर पक्षियों की हत्या पर मांस का व्यवसाय करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। बिहार में फिर मिले कोरोना के 131 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2669। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। उधर राज्य में कोरोना के वैक्सीनेशन का काम शुरू भी किया गया है। हालांकि अभी केवल स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन कर्मियों को ही कोरोना का टीका दिया जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने ताजा अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 2679 हो गई है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।